जय जोहार, जय झारखंड। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी, आप सभी लोगों के लिए एक न्यूज निकल के आ रही है। आप सभी लोगों की जो रनिंग चल रही थी वो स्थगित कर दी गई है 3 दिनों के लिए। 3, 4, 5 पूरे राज्य के 7 केंद्रों पर होने वाली झारखंड उत्पाद सिपाही की जो दक्षता परीक्षण है उसको स्थगित कर दिया गया है, और मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है एहतियातन अगले 3 दिनों के लिए हमने इस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्देश दिया है। दौड़ का आयोजन अब प्रातः 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी का ट्विटर ट्वीट भी आ गया है, और इधर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है। जो प्रेस विज्ञप्ति है ये भी आपकी जारी कर दी गई है कि दिनांक द्वारा मीडिया सेल पुलिस मुख्यालय झारखंड से ये प्रेस विज्ञप्ति आई है। 3, 4, 5 सितंबर को राज्य के केंद्रों में 7 केंद्रों में जो परीक्षा आपका दौड़ हो रही थी उसको स्थगित कर दिया गया है। तो आई होप आप सभी लोग आप कुछ थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें लोगों की जाने गई हैं। अब हम ये आप समझिए कि शब्द नहीं है, बस यही कहेंगे कि सरकारें कुछ इस कदर मेहरबान हो रही हैं, आंखें छीन रही हैं और चश्मे दान कर रही हैं। मतलब अब ये ट्विटर ट्वीट का क्या मतलब रह गया, ये ट्विटर ट्वीट इन्होंने किया है इसका क्या मतलब रह गया। 13 विद्यार्थियों की तो जाने जा चुकी है ना, 13 परिवार तो उजड़ चुके हैं ना, 13 परिवारों के दीपक बुझ चुके हैं ना। अब इस ट्विटर ट्वीट जो आया है, ये एक जो दुर्घटना हुई थी, क्योंकि दुर्घटना कभी बता के पहले से नहीं आती, अगर हुई थी एक दुर्घटना उसी टाइम एक व्यक्ति के लिए आप अवेयर नहीं हो, आप काउंट कर रहे हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारी लिमिट कहां तक है, कहां पे हम आके खोलनी चाहिए कहां पे नहीं खोलनी चाहिए। कम से कम एक जान आपके लिए नहीं कीमती है क्या, जो आप 13 जानों का इंतजार करते रहे। ये सब प्रश्न चिन्ह छोड़ के जा रहा है इस वर्तमान सरकार पर उत्पाद सिपाही भर्ती। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ऊर्जावान रहिए।